नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने जो हेल्पर्स टू की एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी है, जो कि आपकी 26 दिसंबर से 3 जनवरी 2019 के मध्य होगी। तो तीन पारियों में वो होगी और सेंटर्स भी उन्होंने आपको पहले ही आपकी प्रेफरेंस मांग रखी थी। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो आपके हेल्पर टू हैं उनकी जॉब नेचर कैसा रहेगा, किस तरह की जॉब है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी, क्या कोई फिजिकल क्राइटेरिया भी इन्होंने मांगा था, सैलरी आपको क्या मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट आपका जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए क्या है, और नेगेटिव मार्किंग मेरिट किस तरह से डिसाइड होगी, इंटरव्यू है या नहीं है। तो ये जो बेसिक आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं इसके बारे में आज हम उनका निराकरण या वो कन्फ्यूजन आपको दूर करना चाहते हैं, ताकि आप एग्जाम में फ्री माइंड होकर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और अच्छे से तैयारी करके बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जो भी कैंडिडेट हेल्पर टू के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने रिक्रूटमेंट का जो हेल्पर का वो एडवर्टाइजमेंट निकाला था सितंबर के अराउंड, इसके फॉर्म अप्लाई हुए थे और उसके बाद में जो नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो टोटल 4 हैं। पहली आपकी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दूसरी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और एक जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, साथ में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ये 4 कंपनियां हैं जिनके अंडर ये रिक्रूटमेंट होनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि दोस्तों आपकी ये जॉब है, ये आपकी है जॉब स्पेसिफिकेशन में आपको पता चलेगा कि जो हेल्पर टू की जॉब है वो एक अकुशल जॉब है, अनस्किल्ड लेबर टाइप एक जॉब है, जिसमें आपको किसी भी तरह के कार्य करवाए जा सकते हैं, जैसे गड्ढे खोदना, पोल पर चढ़ाई करना, सामान का लोड अनलोडिंग करना, और जो आपके स्किल्ड वर्कमैन हैं जैसे आपके हेल्पर हो गए, लाइनमैन हो गए, उनको आपने असिस्ट करना है। तो ये एक अनस्किल्ड लेबर की तरह की एक जॉब है, तो काफ़ी मेहनत वाली जॉब होगी आपकी। फिर मैं आपको बता दूं कि फिजिकल इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा था वो था आप राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से क्लियर होने चाहिए, आप पढ़े होने चाहिए 10वीं पास, या फिर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से आपके पास कोई वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, यानी इसका मतलब अदर स्टेट से आप CBSE से पास हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सेकेंडरी स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, एज रिलेशन आपकी 18 से कम नहीं हो सकती और 28 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बाकी SC और OBC को जो छूट है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो मिलेगी। अब फिजिकल फिटनेस की भी इसमें, क्योंकि इतना मेहनत वाला काम है, थोड़ा बल वाला काम है, तो इसमें कैंडिडेट की जो आपकी है बॉडी और मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अच्छे हष्ट पुष्ट होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी मेंटल और फिजिकल डिफेक्ट, कोई भी मानसिक और शारीरिक डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, और उनकी परफॉर्मेंस जो ड्यूटी सर्विस की रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको एक मेडिकल अथॉरिटी से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पर है। अब आपकी जो बड़ी बात वो है कि सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, सैलरी का प्रोसीजर इस तरह से है आपका कि इसमें आपको 2 साल का पहले तो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसको हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, प्रोबेशन 2 साल का रहेगा। तो 2 साल के दौरान आपको जो पैसे मिलने हैं वो 12,600 रुपये, इससे ज़्यादा या कम नहीं मिलेंगे, आपको फिक्स 12,600 रुपये दिए जाएंगे 2 साल तक। उसके बाद में जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होता है तो आप CPC में लेवल 2 के कर्मचारी बनेंगे, जिसमें आपको 17,900 रुपये और उसके साथ में अलाउंस दिया जाएगा। तो ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाली है, और फिर तो आपका जिस तरह से ग्रेड पे है, ग्रेड बैंड है, उसके हिसाब से आपकी साल दर साल सैलरी बढ़ती जाएगी। तो सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है अनस्किल्ड लेबर के लिए, तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें तो ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहेगा और ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो ऑनलाइन होगा। तो आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की ही तैयारी करनी है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1 या 2, 3, 4 सीटिंग्स तो कंप्यूटर पर जरूर करें, भी किसी प्रकार का आपका एग्ज़ाम आता है। मॉक टेस्ट आप दुनिया भर के ऑनलाइन आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, फ्री में भी मिलते हैं, तो एक अनुभव उसका जरूर कर लें, ताकि वहाँ जाएँ तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता हो किस तरह से हमें क्लिक करना है राइट आंसर पर। तो कन्फ्यूज़, कई बार इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो वो कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगी आप 1 या 2, 2-3 सीटिंग अगर कंप्यूटर पर एग्ज़ाम की कर लेंगे तो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए, कितने का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, कितना टाइम मिलेगा, ये आप माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दोस्तों, आपका सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस, सामान्य आपकी जो नॉलेज है वो उसके बारे में। तो आपका सिलेबस रहेगा दोस्तों उसमें 10th स्टैंडर्ड की जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथ यानी बेसिक मैथ रहेगा आपका, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान विद
स्पेशल इम्फेसिस ऑन राजस्थान, यानी राजस्थान के बारे में आपका जीके किस प्रकार का है। तो यहाँ जनरल अवेयरनेस का आपकी किस जनरल अवेयरनेस में ये सब्जेक्ट है, यानी बेसिक आपका 10th तक आएगा। तो जैसे जनरल साइंस में बात कर लें तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में, और पृथ्वी का उपग्रह कौन है, जैसे चंद्रमा है, तो कुछ एग्जांपल है। हिंदी में आपको ये हो सकता है समास के बारे में पूछ सकते हैं, संधि के बारे में पूछ सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछ सकते हैं। और मैथ में एलिमेंट्री में आपको जोड़ गुना, या फिर इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, समय, दूरी, चाल, जो बेसिक टॉपिक है वो। और जनरल नॉलेज राजस्थान का काफ़ी बड़ा है, लेकिन बेसिक बेसिक पूछ सकते हैं। अनका कटोरा किसे कहते हैं, गुलाबी नगरी जयपुर है आपकी, तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और क्वेश्चन आपके दोस्तों 100 रहेंगे, और हर क्वेश्चन का एक नंबर रहेगा, आपको 100 पर्सन होंगे और 100 ही नंबर, और 2 घंटे का इसमें टाइम रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लें। फिर बड़ी बात ये आती है कि आपको, यहाँ मैं बता देता हूँ कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर आपको ना भी आ रहा हो तो आप गैसिंग के मेथड पर भी काम कर सकते हैं। और गैसिंग के लिए इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपको एक गैस कैसे करना है या तुक्का कैसे लगाना है उसका वीडियो मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ऊपर सजेशन बॉक्स में भी आपको वो मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आपने गैसिंग कैसे करनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और तो और मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं है। अगर मेरिट 10 जा रही है तो डेफिनेटली 10 नंबर वाला पास होगा, अगर 5 जा रही है तो 5 वाला, अगर 70-75 जा रही है तो वो पास होगा डेफिनेटली। तो एक अच्छा आपके पास क्वालिफिकेशन के लिए अच्छा चांस है, और इंटरव्यू भी नहीं है। तो 3 चीज़ें हैं, पहली नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है, और साथ में मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं है, प्योरली मेरिट बेस्ड है। जैसे अगर कैंडिडेट आपके 10 नंबर तक उनको सिक्योर करने हैं तो वो 10 नंबर वाले को भी सिक्योर करेंगे, अगर 40 से ऊपर के कैंडिडेट आपकी भर्ती पूरी करते हैं तो 40 वाला भी पास होगा, अगर 60 से ऊपर करते हैं तो 60 वाला। तो ये चीज़ें थी, हम आपको JVVNL, RVNL और JDVVNL, AVVNL के बारे में लेकर आए थे, जो हेल्पर 2 की एग्ज़ाम की आपकी भर्ती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और उन अभ्यर्थियों तक, उन स्टूडेंट्स तक पहुँचा दें जो कर रहे हैं टेक्निकल हेल्पर 2 के लिए तैयारी, तो अच्छे से तैयारी करें। और जनरल साइंस के रिगार्डिंग हमने कुछ टॉपिक आपको करवा रखे हैं हमारे इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर, वो भी देख सकते हैं। तो आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, अच्छे से स्ट्रेस फ्री होकर तैयारी करें। आप सभी का दिन शुभ हो।